मैं आजकल देख रही हूँ स्त्रियों को कि कोई बाबा के पास जाते हैं, गुरु के पास जाते हैं और बोलते हैं, मेरा पतिदेव मुझसे चीट कर रहे हैं, मुझे धोखा दे रहे हैं, मैं क्या करूं। पुरुष के मामले में भी ये सब होता है, पर बहुत कम ही सुनाई देता है, पर स्त्रियां ज़्यादा ही ये सब कहते हुए सुनाई देती है। मैं तो कहती हूँ, स्त्री हो या पुरुष हो, किसी से पूछकर, उनसे उपाय लेकर कोई भी लाभ नहीं होगा। समाधान खुद को ही करना पड़ता है। कोई हमें उपाय बता भी दे, बाद में हमें वे ठीक ना लगे तो हम फिर उन पे ही दोष दे देंगे। फिर उनको लगेगा कि उन्होंने ये उपाय बताए थे, उन्होंने इस ओर इशारा किए थे और हमने वही किया, पर आज हमें खुद ने किया हुआ निर्णय पर बुरा लग रहा है। जब बुरा लगता है तो दोष हम किसी और को देते हैं। इस विषय में कोई भी आपको ऐसा उपाय तो नहीं देगा कि आप यही करो। 100% सॉल्यूशन तो नहीं कर सकते वे सब, क्योंकि उनके हाथ में है ही नहीं। हम किसी से पूछ रहे हैं तो इसका अर्थ है कि हम बहुत दुखी है और हम डरते हैं। मैं कुछ कदम उठा लूं तो फिर लोग क्या कहेंगे, परिवार वाले क्या कहेंगे, मायके वाले क्या कहेंगे, मैं जीऊंगी कैसी, सभी प्रकार का डर आपके मन में भरा हुआ है। आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए कि आपने किया हुआ निर्णय का भार उठा सके, आपको लगे कि हाँ मैंने ठीक ही किया, क्योंकि सारा बोझ आप अपने ऊपर ले नहीं सकते हो, बहुत डरते हो। कोई एक तो ऐसे हो जो मैं निर्णय ले रही हूँ उसको सही बोल सके और मैं पूरा गलत पूरा बुरा नहीं हूँ। इसी के लिए आपको कोई चाहिए बोलने वाला, इशारा देने वाला, क्योंकि आप डर के घेरे के भीतर हो। पहली बात तो यहाँ है कि जो स्थिति परिस्थिति आता है जीवन में, उसको सबसे पहले ध्यान से देखना और समझना पड़ता है। खुद के साथ साथ दूसरों को भी समझना पड़ता है, खुद को भी देखना पड़ता है कि मैं कितना सही हूँ, आगे वाले इंसान के लिए मैं कितना सही हूँ, मैं कितना ठीक हूँ, ये भी देखना पड़ता है। और आपको लगे कि आप सही है, आप ठीक है, फिर आप अपने निर्णय खुद कीजिए, अपने ऊपर ध्यान दीजिए, खुद को मजबूत बनाइए, किसी से क्या डरना। जीवन में जितना भी लोग जुड़े जैसा लगे, जितना भी लोग साथ है ऐसा लगे, पर हम ज्यादातर अकेले ही होते हैं। स्थिति परिस्थिति दुख के घड़ी में हम अकेले ही होते हैं, कोई भी उसको समझ नहीं सकता। उस स्थिति में हमें खुद ही निर्णय लेने होता है, दूसरों का कमी कमजोरी कम ही देखे और खुद को मजबूत बनाने की तरफ चले। अपना जीवन क्या करने से सही होगा, कैसे हम खुश रह सकते हैं, जीवन को कैसे हम परिपूर्णता से जी सकते हैं, इस तरफ हमको बढ़ना चाहिए। किसी को भी अपने जीवन में जबरदस्ती मत रखिए। कोई आजाद होना चाहता है आपसे तो उसको आजाद कर दीजिए, किसी को जबरदस्ती पकड़ना ठीक नहीं है। जहाँ प्यार ही नहीं है वहाँ जबरदस्ती पकड़ कर एक साथ रहने का क्या फायदा, स्त्री हो या पुरुष हो। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम किसी के जिंदगी से दूर जाना चाहते हैं पर जाते नहीं, क्योंकि वहाँ पर कुछ जिम्मेवारी होता है जो हमारे बिना वहाँ हो नहीं सकता। तब हम
उस रिश्ते को निभाते हैं। पर मैं तो कहती हूँ, दुखी होकर उदास होकर जीवन नहीं जीना है। हमें खुद को ही इतना काबिल बनना चाहिए कि हम अपने जीवन मस्त होकर जी सके, आनंद से जी सके। इसीलिए खुद के ऊपर काम करना चाहिए। आगे वाला इंसान जैसे जीता है, जैसे जीना चाहता है, जीने देना चाहिए बस उसको। अब हमारी जिंदगी में दखल अंदाजी नहीं करना देना चाहिए। आगे वाला इंसान ने अपना ढंग से जीवन चुन ही लिया है तो उसे उसका ही ढंग से जीना देना चाहिए। और आपको भी अपने ढंग से जीवन जीना चाहिए। आप खुद पर ध्यान देंगे तो कर्मों पर, विचार पर, मन पर, स्थिति पर, तब आपके पास आर्थिक सुविधा ना भी हो तब भी आप अच्छे से जीवन जी सकोगे और अपने बच्चों को भी अच्छा संस्कार दे पाओगे। क्योंकि हम गहराई से खुद को जानने समझने लग जाएंगे तो बहुत चीज हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा, तब हम भय से भी मुक्त हो जाएंगे। इंसान को सबको ही अपने कर्मों का फल मिलता है। इंसान आज जो कर्म कर रहा है, आज वे उतना फल नहीं भोग रहे हैं, क्योंकि अभी उनके पास ताकत है, पावर है, तो उनको वे सब कम ही महसूस होगा अभी, और बाद में भी इसका फल भोगना ही पड़ता है। पर अभी आप डर में जी रहे हो या मजबूरी में जी रहे हो तो नरक का जीवन तो आप ही भोग रहे हो। अगर आप सही हो, आप ठीक हो, तो दूसरों का कर्म का फल आप क्यों भोग रहे हो? अज्ञान का कारण हम नरक का जीवन जीते हैं। ज्ञान होने से जीवन कभी नरक होता ही नहीं, कैसा भी परिस्थिति आ जाए। जब हम गहराई से खुद को समझते हैं तो हम में ही खास हो जाते हैं। हम फिर खुद के लिए खुद ही महत्वपूर्ण, अनमोल हो जाते हैं। इसका अर्थ घमंड नहीं है, खुद को खुद से प्यार। ये बोल के कि मैं खुद से प्यार करता हूँ, ऐसा नहीं है। ये गहराई से जब हम खुद को जानते समझते हैं तभी आता है जीवन में, तब ही हम खुद को प्यार और सम्मान दे सकते हैं। तब फिर किसी और का प्यार, सम्मान, ये सब का फिक्र नहीं होगा। मिल गया तो अच्छी बात है, एक्सेप्ट कर लेंगे, नहीं मिला तो कोई बात नहीं। ध्यान से, गहरे मनन चिंतन से ही जीवन में स्पष्टता आएगी। रिश्तेदारों की तरह, समाज की तरह खुद को नहीं देखना है, खुद को खुद की ही तरह ही देखना है। आप जो भी निर्णय लो वे खुद ही लो। इसलिए पहले आप काबिल बन जाओ, उसके लिए खुद निर्णय लेने के लिए काबिल बनना पड़ता है। और दूसरे इंसान को भी दुख तकलीफ देना नहीं है कि उसको दुख तकलीफ हो, ऐसा चाहकर दुख तकलीफ नहीं देना है। आप अपने ढंग से जी रहे हो और फिर उसमें भी उसको दुख तकलीफ मिलता है तो मिले, उसका कुछ नहीं कर सकते। पर जानबूझकर, चाहकर किसी को तकलीफ नहीं देना है। जो हमारे साथ वादा करता है, एक रिश्ते में बंध जाते हैं, फिर वे अपने मर्जी से जीवन जीता है, वादा निभाता नहीं है, स्त्री पुरुष कोई भी हो, छल करता है, झूठ बोलता है तो उसने अपनी जिंदगी चुन लिया। आप भी अपना जिंदगी चुन सकते हो, पर पहले आपको भी देखना होगा कि आप कितने सही हो। और क्रोध में आके, ईर्ष्या में आके कुछ ऐसा कदम भी नहीं उठाना है जो हमको नहीं लगता था वो हमने देख लिया।
जो सोचा नहीं था वो हो गया, उम्मीदें टूट गया, जो सच लग रहा था सच दिखाई पड़ रहा था वे भी सब झूठ निकला। तब हमें शांत होकर अपने ऊपर ही काम करना होता है। जब हम चीजों को गहराई से जानने समझने लगते हैं, तब हम जो भी निर्णय लेते हैं हमें डर नहीं होता है। बस हमें खुद को जानना है। खुद को जान लीजिए, खुद को समझ लीजिए, रिश्तों को देखिए। जब आप खुद को समझ लेंगे फिर आपको किसी से डर भी नहीं लगेगा, ना पाप का, ना पुण्य का, ना समाज का। तब आप जो भी निर्णय लोगे उसमें आप खुशी से जीवन जी सकोगे। इसीलिए मैं कहती हूँ, किसी का उपाय कुछ भी काम नहीं करेगा। कोई क्या बोल देते हैं और कोई क्या बोल देते हैं। इसीलिए खुद काबिल बन जाइए और खुद ही निर्णय ले और किसी से मत डरें।